कैसा लग रहा है आपको बचपन का प्यार? दिल्ली गए फ्लाइट में पहली बार बैठे जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। दादी ने क्या बोला आपको, लखमा दादी ने? और फिर क्या बोले? अच्छा, अब और आगे गाना गाओगे? चंडीगढ़ में क्या हुआ? दादी ने टीवी दिया। बादशाह से मिले, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या बोला बादशाह? मिलने के लिए बुलाया। और वहाँ क्या हुआ चंडीगढ़ में? मिलने के लिए बुलाया। शूटिंग हुआ? नहीं। गाना गाए वहाँ कोई भी? जी। कौन सा गाना गाए? यही वाला सर। कौन सा? बचपन का प्यार। चार थोड़ा सा शुरू वाला गा के बताओ। जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चचा मेरा प्यार है जान तुझी किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अभी क्या क्या बनना चाहते हो आगे बढ़ के? गायक और खिलाड़ी बनना चाहते हो। कौन सा खिलाड़ी बनोगे, क्रिकेट फुटबॉल किसका? क्रिकेट सर, विराट कोहली। विराट कोहली बनोगे? और गायक में कैसे जो है गायक बनोगे? फेवरेट सिंगर कौन है? खुशी की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है कि सहदेव जैसे छोटे से बालक ने जो निडरता के साथ बिना शर्माए उन्होंने एक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना हुनर दिखाया जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं सोशल जो मीडिया है वो आज दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी का नतीजा है कि हमारा सुकमा जिले का बच्चा आज पूरे देश में छाया हुआ है, और जिन्होंने हिम्मत के साथ अपना गाना गाया इसी का नतीजा है कि आज जो देश का सबसे बड़ा सिंगर और मॉडल बादशाह जी ने इन्हें बुलाया और इनका पूरा खर्चा और इनको जो जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा देने की बात उन्होंने कही है, और निश्चित रूप से हमारे सुकमा जिले का नाम और आगे बढ़ाने का काम किया, और मैं आशा करता हूं कि सहदेव इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और क्योंकि सुकमा जिले के युवाओं में किसी तरह से इनर जो हुनर है वो कमी नहीं है। मुझे आशा है कि भाई सहदेव आगे बढ़ेंगे और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इसी तरह से निडर होकर काम करें, निश्चित रूप से कामयाबी इनके कदम चूमेगी, और ये सुकमा जिले के एक एक छोटे से बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक आइडल है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे बच्चों ने इनका स्वागत किया, और आज सारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई और सारे कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया, और आने वाले समय में इसी तरह से अपना नाम रोशन करेंगे, वैसी मैं शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ। धन्यवाद।